कई सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सीएससी एनएसडीएल सर्विस क्यों बंद कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों ये बंद कर दी गई और फिर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरा माजरा था क्या जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ डिजी मेल में। तो डिजी मेल में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ आखिर में सर्विस बंद ही क्यों हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताया गया है एनएसडीएल पैन डॉक्यूमेंट सीएससी ऑफिस भेजने के संबंध में। तो इसको पूरा छोड़ते हैं और मेन चीज पे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया एनएसडीएल ने इस समय अपना पोर्टल बंद कर दिया है क्योंकि ऑल यूपी में 9,70,000 से भी ज्यादा फॉर्म जो है पेंडिंग है। तो कई सारे बीएलई भाइयों ने इस पे वर्क किया और पेंडिंग वर्क छोड़ दिया, जिससे जो है एनएसडीएल ने सीएससी से जो है यूपी की सर्विस जो है बंद कर दी और भी स्टेट की सर्विस जो है बंद कर दी। सीएससी से एनएसडीएल की सर्विस क्लोज है इस टाइम। तो उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको हेल्प करनी होगी सीएससी की। तो क्या है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपको करना क्या होता था, यूटीआई एनएसडीएल दोनों सर्विस थी। यूटीआई का क्या फंडा है कि आप डॉक्यूमेंट्स भेजना अनिवार्य है सब में, उसमें नहीं भेजते हैं फिर भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे, काम होता रहेगा। यही होता था कि डॉक्यूमेंट्स ना भेजने पर भी पैन कार्ड आ जाता था, लेकिन आपको बाद में भेजना होता था, फिर भी लोगों ने नहीं भेजा। तो इसी तरीके से 9,70,000 फॉर्म यूं ही पेंडिंग पड़े रहे। तो एनएसडीएल जो है काफ़ी ज़्यादा ये सब कुछ देखता है कि सब कुछ रूल्स जो हैं एनएसडीएल के काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और यूटीआई जो है इसे नॉर्मली वर्क करता रहता है। तो यहाँ पे जो कमीशन था काफ़ी अच्छा था, 97 रुपये में आप एनएसडीएल सीएससी से पैन कार्ड बना सकते थे। अभी के रेट का मैं बात कर रहा हूँ, जब से 107 हुआ है 10 रुपये का कमीशन आपको मिल जाता था। तो बहुत ही कम रेट था, इससे कम रेट और कोई पोर्टल आपको नहीं दे रहा है रिटेलर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर को तो दे रहा है लेकिन रिटेलर्स को इतना सस्ता रेट कोई नहीं दे रहा है। तो अभी आपको रीस्टार्ट करने के लिए सीएससी की हेल्प करनी होगी। करना क्या है, अगर आपके पास एक भी फॉर्म है तो उसको आपको भेजना है। तो यहाँ पे बताया गया जैसा कि आपको गया था एनएसडीएल पैन कार्ड के सभी डॉक्यूमेंट सीएससी ऑफिस में भेजने हैं। आपको मेल पर एनएसडीएल डॉक्यूमेंट्स भेजने का सैंपल दिए जा रहे हैं, अतः सैंपल में मौजूद सभी विवरण को देना अनिवार्य है। दिए गए प्रारूप के अनुसार समस्त दस्तावेज भेजने की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं, नीचे आता हूँ। तो करना क्या, आपको एक्सेल सीट दी गई है उसको आपको भर लेना है। तो किस तरीके से, मैं यहाँ पे डाउनलोड्स ओपन कर लेता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एनएसडीएल डॉक्यूमेंट्स ऑफिस भेजने के संबंध में इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे मेल में ऊपर जाएंगे आप, डाउनलोड लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे डाउनलोड ऑल अटैचमेंट देख सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, सैंपल दिया गया है, यहाँ पे आपको भेजना है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक लिफाफे में कर दीजिए, लिफाफे के सबसे ऊपर ये आपको प्रिंट करके लगाना होगा। यहाँ पे देखिए, पैकेट के अंदर आवेदन प्रपत्रों की एक्सेल सीट का प्रिंटआउट भेजना अनिवार्य है, नीचे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भेजना है और अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए, सीएससी आईडी, डिस्ट्रिक्ट, क्वांटिटी, कितने फॉर्म भेज रहे हैं, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल दीजिए। अभी जो सेकंड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट कैसे भरनी है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए 1, 2, 3, 4, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भी था एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन नेम क्या था, अप्लाई डेट किस अप्लाई किस डेट को अप्लाई हुआ था वो आपके फॉर्म पे पड़ा होता है, और कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या था। तो ये सब कुछ डालने के बाद में सेव कर लीजिए, फिर प्रिंट आउट निकाल के जो है डॉक्यूमेंट जो आप भेज रहे हो उसके साथ में आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद में आपको करना क्या, यहाँ पे दिया जाता है, आपको बता रहे हैं कि आप जितने फॉर्म अप्लाई किए हैं सभी फॉर्म को जल्द से जल्द भेजना अनिवार्य है, मैंडेटरी आपको भेजना ही पड़ेगा। पेंडिंग होने की स्थिति में आप एनएसडीएल पैन कार्ड द्वारा आपके एनएसडीएल पैन कार्ड फॉर्म को जीरो कर दिया जाएगा और पेनल्टी भी लग जाएगी, और सीएससी द्वारा आप पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ वार्निंग सीएससी की तरफ से दी गई है। तो आपके पास एक भी फॉर्म है तो आप उसको भेज दीजिए, और यहाँ पे बताया गया अधिक जानकारी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें, मौजूदा सभी विवरण देना अनिवार्य है, एक्सेल सीट का फॉर्मेट मेल के साथ लगा हुआ है। तो आपको एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है, तो सिंपली आप क्या कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ इस एड्रेस में नहीं भेज सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिया गया है थैंक्स एंड रिगार्ड्स धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, मेल आईडी इनकी दी गई है, वेबसाइट सीएससी की दी गई, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं 8094408 60। तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों आपसे आशा करता हूँ कि आप जो भी फॉर्म होगा वो भेज देंगे जिससे कि एनएसडीएल सीएससी की सर्विस स्टार्ट हो, क्योंकि एनएसडीएल को लेकर कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं तो लोगों का पैसा ना फंसे तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको बताना चाह रहा था किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि पूरा माजरा आखिर में था क्या। तो प्लीज़ से आपके पास एक भी फॉर्म है तो आप उसको भेज दीजिए, जितना भी फॉर्म है सबको भेज दीजिए। अगर कोई खो गया है तो फिलहाल के लिए तो पोर्टल बंद है, रिपेयर इंट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको भेज दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी तक मेरी बात पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।